हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले मैंने कई वीडियोस किए थे जिनमें हमारे पास लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि हम बच्चों को मॉडलिंग में कैसे डाल सकते हैं या फिर हम बच्चों को एक मॉडल कैसे बना सकते हैं। स्पेशली दोस्तों, ई कॉमर्स जो मॉडल्स होते हैं, यानी कि जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई या इस तरह की बहुत सारी साइट्स पे बच्चों के फ़ोटोज़ होते हैं, वो फ़ोटोग्राफ्स यानी कि वो मॉडल कैसे बनते हैं। इसी के साथ लोग जानना चाहते थे कि किड्स कास्टिंग कंपनीज़ का क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि दोस्तों अब छोटे शहरों के बच्चों को भी मॉडल बनना बहुत आसान हो चुका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप छोटे टाउन में रहते हो और आपके बच्चों को आप मॉडलिंग कराना चाहते हैं, इसके साथ ही दोस्तों आप बच्चों को ना कि सिर्फ ई कॉमर्स शूट के लिए, बल्कि आप बच्चों को आगे वेब सीरीज़, रैम वॉक या सीरियल, पिक्चर्स, मूवीज़, इन सब में भी आप दोस्तों बच्चे को इंटरेस्ट लेना चाहते हैं आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए और बच्चे को इन सब में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों की मॉडलिंग की शुरुआत स्पेशली मुंबई के अलावा बाकी सिटीज़ में कैसे आप करवा सकते हैं। दोस्तों, किड्स कास्टिंग कंपनीज़ होती हैं जो छोटे बच्चों को कास्ट करती हैं, और आजकल तो दोस्तों इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप बहुत सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि आपके बच्चों को आप बना सकते हैं मॉडल, आपके बच्चों को दिलाइए फिल्मों में काम या फिर ई कॉमर्स कंपनीज़ में काम। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ अब छोटे सिटीज़ में आ गई हैं, लाइक पुणे हुआ, हैदराबाद हुआ, अहमदाबाद हुआ, जयपुर हुआ, इस तरह की जो सिटीज़ हैं दोस्तों उनमें भी ये सारे इन कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं दोस्तों, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अगर आप गूगल भी करेंगे कि किड्स कास्टिंग कंपनी इन माय सिटी, आपके सिटी का कोई भी नाम डालेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे दोस्तों बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कंपनीज़ होती हैं इनमें आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही इनके एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, वहाँ आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास फिर इनके कॉल आते हैं, और कॉल आने के बाद दोस्तों ये आपके बच्चे की डिटेल मांगते हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ का प्रोसेस सेम ही होता है, ये बोलते हैं कि आपके बच्चे का आप अनएडिटेड फ़ोटो भेजिए, फिर आप भेजते हैं दोस्तों, उसके बाद इनका कॉल आता ही है। यानी कि आप ये ना समझो कि हमारा बच्चा देखने में इतना गुड लुकिंग नहीं है। अगर आपका दोस्तों इंटरेस्ट है मॉडलिंग में तो आप किसी भी तरह का आपका बच्चा हो, क्योंकि दोस्तों सब खूबसूरत होते हैं, बस ये नहीं है कि जिसका कलर फेयर हो वही खूबसूरत हो, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, क्योंकि दोस्तों मॉडलिंग में आप देखेंगे कि हर एक मॉडल की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कलर कॉम्पेक्शन या फिर उसका फेस कट, इन सब चीज़ों से आप किसी की ब्यूटी का पैमाना नहीं आँक सकते। तो दोस्तों ये सबको कॉल करते हैं, उसके बाद दोस्तों कॉल करने के बाद आपको ये अपने ऑफिस बुलाते हैं। सबसे पहले आपको एक मैसेज करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चे का सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया है। लेकिन दोस्तों एक जनरल मैसेज होता है जो ये हर किसी को भेजते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपके बच्चे को अपने ऑफिस बुलाते हैं, आपको टाइम दे देते हैं और आपकी मीटिंग फिक्स कर देते हैं। फिर आप आपके बच्चे को जब ऑफिस लेके जाते हो तब दोस्तों ये आपको बताते हैं, पहले कई कंपनीज होती है जो आपका सबसे पहले फ़ोटोशूट करेंगी, फिर आप वो भी दोस्तों एक फॉर्मेलिटी होती है तो बोलते हैं अब हम पता करेंगे कि आपका बच्चा कैमरा फ्रेंडली है या नहीं है, फिर ये बोलेंगे कि आपका फ़ोटोशूट करने के एक दो घंटे आपको वेट करवाएंगे और फिर बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, अब आप आगे प्रोसीड कीजिए। कुछ कंपनीज होती हैं तो दोस्तों जाते ही रजिस्ट्रेशन के ही अप्रोक्स 2,000, 3,000 या 5,000 के समथिंग चार्जेस लेती हैं, और वो ये बोलते हैं कि आपके बच्चे का हम एक फ़ोटोशूट करेंगे, उसको अमेजोन पर पब्लिश करेंगे। यानी कि अमेजोन पर जो टी शर्ट्स होती हैं या बच्चों की एक्सेसरीज होती है उनको पहना के ही वो डायरेक्ट शूट करवाते हैं, और वो दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि वो अमेजॉन पे इनको पब्लिश करवाएंगे। हालांकि दोस्तों वो आपके साथ लिंक शेयर करते हैं, पर जनरली आप देखते हो तो वो फोटोज़ किसी बच्चे का तो मिलता है, किसी का नहीं मिलता है, पता नहीं इनका किस तरह का सॉफ्टवेयर है और क्या है। तो इस तरह से दोस्तों सारे बच्चों का ये लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद से शुरू होती है दोस्तों बच्चे की जर्नी। अब दोस्तों इसमें अगर आप थाउजेंड ऑफ बच्चे जाते हैं तो एक आध परसेंट ही जो बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं, ये तो दोस्तों हर किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको ये अपने ऑफर्स बताते हैं कि अब आप बच्चे का रैम वॉक करवाना चाहते हैं तो 10,000 आपको रैम वॉक का करना पड़ेगा, और दोस्तों सबसे पहले इनमें ये आपके बच्चे का है पोर्टफोलियो शूट,
उस शूट में क्या होता है दोस्तों, ये आपके बच्चे का पोर्टफोलियो शूट करते हैं, फिर बोलते हैं अगर हमारे पास कोई भी बच्चे के लिए ऑफर आया, यानी कि हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट फर्स्ट क्राई का तो गारंटी नहीं लेते, अमेजॉन फ्लिपकार्ट या इस तरह की और भी जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, ये बोलते हैं हम उन पर तो आपको 100% काम दिला देंगे अगर आप हमारा पैकेज लेंगे। तो पैकेज दोस्तों अलग होता है, पोर्टफोलियो शूट अलग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके बच्चे का होगा पोर्टफोलियो शूट, उसमें आपको अप्रॉक्स 50,000 या लाख तक आप उसको करवा सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे का पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर दोस्तों ये आपको एक पैकेज देंगे। पैकेज में दोस्तों कई बार पोर्टफोलियो शूट इंक्लूड होता है, कई बार नहीं होता, यानी कि आप पैकेज ले रही है 50,000 का तो उसमें बोलेंगे आपको 25 का पोर्टफोलियो शूट दे देंगे और 25 में आपके बच्चे को काम दिलवा देंगे। कई बार दोस्तों आप आपके बच्चे का पोर्टफोलियो शूट बाहर से भी करवा सकते हैं, ये आपको सिर्फ काम दिलवाने के ही 20-25 या 50,000 तक का आपको पैकेज देंगे। उसके बाद दोस्तों ये गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं लेते, लेकिन ये ज़रूर बोलते हैं कि आपको 5 ऑफर हम दिलाएंगे एक साल में, जब हम बुलाएंगे तब आपको आना पड़ेगा। 5 में से दोस्तों 3 तो मिनिमम, ये कम से कम है 3। तो आपको ये जो ई कॉमर्स साइट्स होती है इन्हीं पे जो बच्चों के फ़ोटोज़ लगे रहते हैं, जो कपड़े हम देखते हैं जिनमें बच्चे पहन के खड़े रहते हैं, उनमें आपके बच्चों को काम दिलवाने का बात करते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा पैकेज लेते हो तो बोलते हैं हम आपके बच्चों को वेब सीरीज़ में भी काम दिलवा सकते हैं, मूवीज़ में भी काम दिलवा सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आपके बच्चे के ऊपर है कि आपका बच्चा ऑडिशन में सेलेक्ट होता है या नहीं होता है, आपके बच्चे का लक है। तो दोस्तों ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और आपको शुरुआत में इसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि आपके बच्चे को अगर कोई शूट आपको रैमबॉक कराना है तो आपको उसके लिए भी कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आपको आपकी सिटी में ही छोटे मोटे इवेंट में रैमबॉक के लिए ही आपको फिल करने होंगे, और फिर आप 10-15 हज़ार रुपये देकर आपके बच्चे को वॉक कराइए। आप बोलोगे हमें बदले में क्या मिलेगा, तो बोलेंगे कुछ नहीं, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी और इससे आपके बच्चे को आगे अच्छे ऑफर आ सकते हैं। तो टोटल बात दोस्तों ये कि एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। आप अगर आपके बच्चे के मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों स्ट्रगल भी है और पैसा बहुत अच्छा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आगे आपके बच्चे का डेस्टिनी है, क्योंकि दोस्तों किड्स मॉडल भी आप जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो अगर आपके बच्चे का लक अच्छा हुआ, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी है, बच्चा ऑडिशन क्वालिफाई कर रहा है, तो आगे उसका इसमें फ्यूचर बन सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।